वाली पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, चिकड़ी चिकड़ी चिकड़ी, शेर वाली अम्मे माँ, मटरानी मटरानी एवरीबॉडी, शेर वाली अम्मे माँ। कुछ समझ आया क्या इस टिकटॉकर का कंटेंट? इस समय यूट्यूब और टिकटॉक पर कोई ट्रेंड कर रहा है तो वह है कैरी मिनाटी। वास्तव में कैरी ने क्या कह के लिए अपने इस वीडियो में, अगर हम टिकटॉक वर्सेस अकेले कैरी मिनाटी कहे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये क्या जंग है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, और इसमें कौन बाजी मारता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टिकटॉक और यूट्यूब के बीच क्या पंगा चल रहा है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले एक टिकटॉक यूज़र आमिर सिद्दीकी ने यूट्यूबर्स को लेकर काफ़ी भला बुरा कहा था। उन्होंने कहा था कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स के पास अपना कोई कॉन्टेंट नहीं होता है, वो टिकटॉक से अपना कॉन्टेंट चुरा लेते हैं, अगर हम चाहें तो कॉपीराइट दे सकते हैं। इस पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने तकड़ा जवाब दिया, और सबसे तकड़ा जवाब दिया इंडियन रोस्टर कैरी मिनाटी ने। इनके इस वीडियो ने यूट्यूब के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ट्विटर पर छिड़ी यूट्यूबर कैरी मिनाटी और फेम्स टिकटॉक यूज़र आमिर सिद्दीकी के बीच जंग। यूट्यूबर कैरी मिनाटी ने हाल ही में फेम्स टिकटॉक यूज़र आमिर सिद्दीकी की खिंचाई क्या कर दी कि ट्विटर पर कैरी मिनाटी और आमिर सिद्दीकी के फैंस के बीच जंग छिड़ गई है। यूट्यूबर कैरी मिनाटी और टिकटॉक यूज़र आमिर सिद्दीकी के फैंस के बीच ट्विटर की दुनिया पर मीम्स का भूचाल सा आ गया है। ट्विटर पर भी इनके फैंस के बीच ज़बरदस्त जंग छिड़ी हुई है। वैसे कैरी मिनाटी के इस वीडियो को देखकर टिकटॉकर्स की हालत खस्ता हो गई है। इसको देखते हुए आशीष चंचलानी ने भी कहा है, सोचो एक यूट्यूबर ने आपकी ये हालत कर दी है, अभी तो सारे बाकी है, अगर सारे के सारे अपने आपके पीछे पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे आप भी जानना चाह रहे होंगे कि टिकटॉक बेस्ट है या यूट्यूब, तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों का कोई कंपेरिजन नहीं बनता है। एक तरफ टिकटॉक जहाँ केवल एंटरटेनमेंट का साधन है, वहीं दूसरी ओर यूट्यूब नॉलेज का भंडार है। एक तरफ जहाँ केवल मुजरा देख सकते हैं, वहीं दूसरी ओर यूट्यूब से आप जितना ज्ञान लेना चाहे ले सकते हो, जितना सीखना चाहो सीख सकते हो, लेकिन दूसरी ओर टिकटॉक से सीखने को क्या मिलता है, घंटा। यूट्यूब पर वही क्रिएटर फेमस होते हैं जिसके पास अच्छा कॉन्टेंट होता है, अच्छा नॉलेज होता है, वहीं दूसरी ओर टिकटॉक पर ऐसे हज़ारों अकाउंट मिल जाएंगे जिनके कंटेंट का सी तक नहीं पता होता है। टिकटॉक पर कैरी मिनाटी खुद को ही ले लो, एक वीडियो अपलोड किया है वो भी गधे का। टिकटॉक की इस बेइज्जती के बावजूद भी इनको पॉपुलर क्रिएटर मिला हुआ है। बहुत सारे ऐसे अकाउंट मिल जाएंगे जिनके मात्र एक वीडियो पर ही उनको पॉपुलर क्रिएटर मिला हुआ है। दूसरी ओर यूट्यूब पर ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ इक्वल होते हैं सब। जो मेहनत करता है और जिनका कंटेंट अच्छा होता है वही यूट्यूब पर सक्सेस होता है। वैसे तो इनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं बनता है, टिकटॉक कहाँ और यूट्यूब कहाँ, फिर भी आपको बता देता हूँ कि अभी एक जो जंग छिड़ी हुई है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। आप अपनी राय ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा बेस्ट लगता है, टिकटॉक लगता है या यूट्यूब। वैसे ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो टिकटॉक चलाने वालों को टिकटॉक लगेगा और यूट्यूब वालों को यूट्यूब बेस्ट लगेगा, लेकिन मैंने आपको अलग अलग एंगल से इस वीडियो में बताने की कोशिश की कि टिकटॉक बेस्ट है या यूट्यूब। आपको कुछ आगे कुछ टिकटॉक ऐसे टिकटॉकर के बारे में दिखाने वाला हूँ जिनको देखकर आप खुद बता देंगे कि ये किस तरह का कंटेंट है और ये किस टाइप के लोग हैं।